लोकसभा चुनाव को लेकर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि जो पहले चरण का मतदान है यानी 28 अक्टूबर को होना है, लेकिन पटना के 5 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है, वोटरों ने वोट डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे कि जब पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को है तो फिर अभी से वोटिंग क्यों की जा रही। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कोरोना काल के संक्रमण को देखते हुए कुछ खास प्रबंध के तहत ये वोटिंग जो है वो की जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना के 5 विधानसभा क्षेत्र जिसमें मसौढ़ी, बाढ़, मोकामा, विक्रम और पालीगंज में कोरोना काल को देखते हुए वोटिंग शुरू करवा दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 436 मतदाताओं ने मतदान किया है। सबसे ज्यादा वोटिंग मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जहां 159 लोगों ने मतदान किया है। मोकामा के SKM परिसर में 80 साल से ज्यादा उम्र के 118 और दिव्यांग श्रेणी में 25 मतदाताओं ने वोट डाला। इसी तरह बाढ़ में SK परिसर में मतदान करने वालों की संख्या 14 रही। मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 151 लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। वहीं पालीगंज में कुल 37 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया। वहीं विक्रम विधानसभा में 75 लोगों ने वोट डाला।